जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ मैथ्स की ये बुक है जी। हमारे पास क्लास वन की ऑक्सफोर्ड की बुक है, हमारे पास काउंट डाउन बुक वन, ये थर्ड एडिशन है इसका। और ये जो है बुक, ये वन क्लास में लगाई जाती है, और इसको इसमें जो है ना, ये वन क्लास के लिए अच्छी खासी डिफ़िकल्ट बुक है, बट ये बहुत अच्छी और बहुत इसमें अच्छी चीज़ें हैं। बच्चे जो है ना, उनका माइंड खुलता है ऐसे, और वो इन चीज़ों को सीख कर अपनी मैथ में स्पेशली वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको सिखाती, इसका फर्स्ट पेज जो है मैं अभी करने जा रही हूँ आपके सामने। देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है गेटिंग रेडी, लेट अस कलर, काउंट द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। यानी कि आपने क्या करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनको गिनना है। गिनने के बाद क्या करना है, ये बॉक्स दिया हुआ है, ये देखें जी, एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, देन आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आपको समझ आ जाती है कि आपको क्या करना है, इतना एग्जाम्पल उनकी क्लियर होती है। इसके बाद है नेक्स्ट इनका है जी, देन कलर ग्रुप्स ऑफ नाइन ब्लू, यानी जो ग्रुप है नाइन का उनमें आपने ब्लू कलर करना है, और ग्रुप्स ऑफ फाइव येलो एंड ग्रुप ऑफ फोर रेड। यानी कि जो नाइन वाला है उसमें ब्लू, फाइव वाले में येलो एंड ग्रुप ऑफ फोर रेड, और फोर वाले में रेड करना है कलर आपने। देखें जी, अब हम करते हैं काउंट, वन टू थ्री फोर, ये फोर लिखा हुआ है, यानी कि इसमें हमने करना है रेड कलर। इसके बाद बी क्वेश्चन पे आते हैं, ए में, ए जो है वो हमारे पास एज आ एग्जाम्पल मौजूद है, और हम इसको देख रहे हैं कि वन टू थ्री फोर, फोर उन्होंने यहाँ पे राइट किया हुआ लिखा हुआ है, फोर डिजिट उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट बी पे जाते हैं हम, बी में अब कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं, ये देखें बॉक्सेस बनाए गए हैं, और उनको थोड़ा वो थोड़ा सा फैला के रखा गया है। देखें, काउंट करें मेरे साथ आप लोग भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टोटल कितने हुए जी, नाइन। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, इस ब्लॉक में, ठीक है। अब हमारा ये देखें जी, ये तो हमारा रेड था, अब ये इसमें नाइन आ गया, तो इसमें कौन सा कलर करेंगे हम, ब्लू। कौन सा कलर करना है हमने, ब्लू। नाइन में कौन सा कलर करना है, ब्लू। चले जी, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिएगा, बुक्स बनी हुई हैं, बुक्स की शेप्स बनी हुई हैं, और हमें इनको काउंट करना है, और यहाँ पे इस ब्लॉक में उसको राइट डाउन करना है। चलें जी, काउंट करिएगा मेरे साथ, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी, फोर। क्या राइट किया मैंने, फोर फोर, ठीक है जी। इसके बाद आगे डी क्वेश्चन पे हम, आप डी क्वेश्चन में देखें, बड़े मज़े की आइसक्रीम बनी हुई है, आइसक्रीम की शेप बनी हुई है। अब आइसक्रीम को हमने काउंट करना है और ब्लॉक में लिखना है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। थ्री टाइम बोलने से मेरा सिर्फ इतना सा है कि आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए, ठीक है, वरना आपको वन टाइम में ही समझ आ जानी चाहिए। लेकिन होता है कुछ बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाते, उनके लिए बोला जा रहा है बार बार। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया जी, ये कैप्स हैं, जोकर कैप्स। तो ये देखिएगा जी, ये कितनी है, काउंट करते हैं, ई क्वेश्चन है हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। जी क्या लिखेंगे हम, जी नेक्स्ट हम एफ क्वेश्चन पे जाते हैं, और ये भी बकेट सी बनी हुई है, बाल्टियाँ सी बनाई हुई हैं उन्होंने, इनको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। जी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे,
नाइन, दैट्स गुड। चले जी अब हमने कलर करने हैं, एक में मुकद्दस कलर करती है और एक में चले उम्मेहानी करती है कलर, और हमारे पास दो दो ब्लॉक्स ऐसे आ गए हैं जिनमें कलर होने हैं। नहीं, फाइव का भी है, फाइव का भी है, यानी कलर सब में ही होगा और सब में हम फ़र्क फ़र्क कलर है। चले जी हम फ़र्क फ़र्क बंदों को देते हैं। हमारे पास रेड कलर भी है, रेड भी है और येलो भी है और ब्लू भी है। तो सबसे तेज़ कौन है बच्चा? सबसे तेज़ है शाउल। शाउल आओ, आप करोगे जो ब्लॉक्स में नाइन है ना, ये इधर से आए आप, इनमें नाइन में कलर करेंगे आपने। नाइन में कौन सा कलर करना? ब्लू वाला। रेड मुझे दे दीजिए, ये लें जी। इसके उम्मेहानी, और जो है येलो कलर फाइव वाले ग्रुप में कौन कलर करेगा? मुकद्दस। मुकद्दस आओ बेटी इधर से, तो स्टार्ट करें। शाबाश, जल्दी जल्दी करें। चले मैं भी शाउल का, क्योंकि काम ज़्यादा है शाउल की, मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। मुकद्दस को मुश्किल हो रही है, करी अपना हाथ आप बस चौंक रहे हैं, बस जल्दी जल्दी इसमें कलर करें। शाबाश, वेरी गुड गुड। और काउंट भी करें कितने ऑब्जेक्ट में आपने कलर कर लिया है। मैंने तो थ्री में, थर्ड वाले में स्टार्ट किया है। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। मैं तो ब्लू से बोर हो गई हूँ, अब मैं रेड कलर करूँगी। इधर येलो करना है। चलो जी, मेरे पास येलो कलर नहीं है, मैं नहीं कर रही, मैं ब्लू को ही कंटिन्यू करती हूँ। शाउल ने जीत जाना है। उम्मेहानी आप सबसे गंदे कलर कर रही हैं, ऑब्जेक्ट से बाहर तो नहीं जाते ना कलर करते हुए। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। शाबाश, आपने कभी देखा है जो चीज़ होती है उसके अंदर ही उसका कलर होता है कि बाहर साइड पे होता है? अंदर होता है ना। तो फिर आप लोग तो इधर उधर कर रहे हो, तो इधर उधर तो नहीं ना करना फिर। मैं कोशिश करती हूँ नीट करने की, लेकिन बच्चे हैं ना, अब क्या कर सकते हैं, बच्चों का वो कहीं भी भाग जाते हैं। चले चले शाबाश, जल्दी जल्दी करें। देखें जी, इस तरह से आप लोगों ने भी कलर करने हैं। आप घर में हैं और घरों में अपनी पेरेंट्स को तंग नहीं करना आप लोगों ने, बल्कि अपने बुक पे गेम की गेम हो जानी है आपकी। आपने कलरिंग भी कर लेनी है, आपने वो मैथ्स भी कर लेना है। इस तरह से आपको काउंटिंग भी आपकी ठीक हो जाएगी, क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे, आपकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप लोग इंजॉय भी कर लेंगे। गुड गुड गुड, वेरी गुड शाउल। शाउल एक बाल्टी, ये आपकी जो बकेट है इनमें तो अभी कलर रहता है, आप तो करके फारिग हो गए, साइड पे कर दिया आपने। गुड गुड गुड, वेरी गुड जी। मेहानी गुड, शाबाश, जल्दी करो। शाबाश शाबाश शाबाश। नाउ चिल्ड्रन, देखे पेज कलरफुल हो गया, रेड येलो एंड ब्लू, ग्रेट गुड हो गया जी। चलें जी, नेक्स्ट हम आपको दोबारा आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पेज पे,
और आज के लिए इतना ही।